ये अंगूर है, अंगूर वैसे तो क्लिनिक में होता है पर मैं इसको खेलने के लिए कमरे में लाया हुआ था। खेलते खेलते मेरे दिमाग में एक बात आई तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। अंगूर और इसकी माँ को अमित कुमार जी ने रविवार को शाहपुर में देखा था। शनिवार रात को इसकी माँ को कोई गाड़ी वाला या ट्रक वाला मार गया था, तो जब अमित कुमार जी ने देखा तो इसकी माँ सड़क पे पड़ी हुई थी, ये बेचारा साथ में खड़ा हुआ। उन्होंने हमें फोन किया, यहां से रविंदर गए और इसको ले आए। अब इसकी माँ के लिए तो हम कुछ खासा नहीं कर पाए, पर इसको ठंड से निजात मिल गई, इसके कुछ दोस्त बन गए और इसकी माँ की जगह अब हम इसको दूध पिला रहे हैं। अपनी माँ के अंतिम क्षणों में जिस तरह ये उसको देख रहा था ना, वो जो बेबसी है शायद इसके चेहरे से अभी तक गई नहीं। और वही बेबसी देख के मुझे ध्यान आया कि यार अगर वो आदमी जिसने इसकी माँ को और इसको सड़क पे इतनी ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया, या वो आदमी जो इसकी माँ को टक्कर मार के भाग गया, अगर आज वो इससे मिलते हैं तो वो इसको बस आई एम सॉरी ही कह पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि गलती करके सॉरी नहीं कहना चाहिए, पर क्या बस सॉरी कह देना काफी है? आपने दिन भर जो मर्जी किया, शाम को जाके कन्फेशनल में माफी मांग ली, आपने दिन भर जो भी किया शाम को अल्लाह से माफी मांग ली, आपने जो मर्जी पाप किए चार धाम नहा के उनसे निजात पा ली, क्या ये काफी है? उससे क्या हो रहा है? एक तरफ तो वो लिस्ट बढ़ती जा रही है जो माफी मांग रहे हैं, एक तरफ उनकी लिस्ट बढ़ रही है जिनसे माफी मांगी जा रही है। और अगर हम चाहते हैं ना कि ये लिस्टें छोटी हों, तो सॉरी बोलने के अलावा सॉरी महसूस करना भी जरूरी है। Yeah.